লাউদহা থানার সর্পি এলাকাতে একটি দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল এবং তার ফলে ছড়িয়ে পড়ল গোটা এলাকাতে চাঞ্চল্য। দুষ্কৃতীরা সুযোগ বুঝে মুন্না মাহাতো নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে বৃহস্পতিবার দিন রাত্রিবেলায় তার বাড়ির ভেতরে ঢোকেন এবং ওই দুষ্কৃতীরা তার আলমারি থেকে এবং আলমারি ভেঙে 15 কেজি রূপো এবং 1.5 ভরি সোনা চুরি করে এবং তারপর তারা চম্পট দেয়। শুক্রবার দিন সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে মুন্না মাহাতো তার রুম থেকে অন্য রুমে গিয়েছিলেন, কারণ তার মার শরীর অসুস্থ থাকার কারণে তিনি তার মায়ের রুমে গিয়েছিলেন। ঠিক তখনই দুষ্কৃতীরা সুযোগ বুঝে ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং আলমারি ভেঙে সেখান থেকে সোনা এবং রূপোর অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার দিন সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লাউদহা থানার পুলিশ। পুলিশ পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে এবং তারপর তদন্তেও নেমেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, গুগলি নিউজ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रलय बनर्जी। अच्छा अच्छा आप लोग घर में नहीं सोते हैं ना? नहीं, इसमें सो रहे हम तो इसमें रहते थे। हम 15 दिन दलगटा में गए थे, दलगटा में ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा समझे। दलगटा में गए थे तो सिस्टर लोग थी तो वो लोग कंटिन्यू कर रहा है करके। ये मोदी बताएंगे, मोदी बहुत भयभीत हो चुके हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि घर एक मिनट के लिए भी छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो किसी को एक को घर में रहना पड़ेगा। तब 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भी अगर पानी लाने भी जाना होगा तो सोचना होगा। इससे पहले हुआ था कभी? नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा चांस हुआ कि घर में रहते हुए भी आदमी को छोड़ी। सीन काट के, वो भी सीन काट के, दीवार तोड़ के, जिस तरह भी आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन शर्मा। অনেকটাই আতঙ্কতে আছি, মানে সবসময় ভয়ে ভয়ে আছি যে কোথাও গেলে এলে চুরি ডাকাতি হচ্ছে, আমরা কি করে ঘরে চুপচাপ মানে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারছি না কোথাও। পুলিশ পাহারে আছে এখানে রাত্রে? পুলিশ তো পাহারা তো দেয় না, কোনদিন আসে না এদিকে রাত্রে। পুলিশ পাহারা দেখি না, ওই যারা এরকম বাসি বাজিয়ে যারা আসে তো দুদিন আমি অবশ্য ঘুমিয়ে যাই, বলতেও পারছি না। অনেকে বলে যে বাসি বাজিয়ে এখানে পাহারা একজন দেয়। আপনার এই যখন এইখানে চুরি হয়েছিল আপনার দরজা কি করেছিল? লক দিয়ে দিয়েছিল, এদিকে লক দিয়ে দিয়েছিল, পিছন দিকে দরজাটা লক দিয়ে দিয়েছিল। সকালে উঠে আমি ওই একটা ছেলে রাস্তা থেকে পেরিয়ে যাচ্ছিল, ওকে বললাম যে একটু ভাই বাবার দরজাটা খুলে দাও, তখন ওরা খুলে দিল, তারপর আমি ঘরে বাইরে এসে মারলে দিলাম। কি নাম আপনার? সমাপ্তি কর্মকার। हम लोग घर में नहीं सोते हैं ना? नहीं, इसमें सो रहे हम तो इसमें रहते थे। हम 15 दिन दलगटा में गए थे, दलगटा में ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा समझे। दलगटा में गए थे तो सिस्टर लोग थी तो वो लोग कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे आपका 15 KG आसपास सिल्वर और आपका इयररिंग्स वगैरह होगा 2 भरी का। 2 भरी का कितना का सामान होगा टोटल? टोटल आज के डेट में तो अच्छा खासा पुराना वरना ये था आपका सिल्वर का, ये था मम्मी का 40-50 साल पुराना था। कैसे चोरी हुआ ये? तो ये असल में हम लोग, मम्मी का तबीयत ख़राब था तो हम लोग इस रूम से दूसरे वाले रूम में सोए हुए थे और इस वो लोग आके वाल को मतलब छलंग दे छलंग लगा के और करीबन कितना बजे का ये घटना है? करीब 12 बजे के बाद का घटना है, 11-12 बजे के बाद ही होगा। 11 बजे के बाद हम लोग ये किए हैं, इसके बाद 12 बजे के बाद। ऐसे घटना के चलते आतंक कितने हैं? ये बहुत आतंकित है हम लोग इसके लिए और मम्मी बहुत ही इसके सदमे में है। उसका पुराना ये था
पुलिस आया था, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है लेकिन तो अभी कुछ ये नहीं हुआ है। किसी को पकड़ा है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं पकड़ा है। आपको शुभ नाम? मुन्ना माथो। मुसीबत पे मुसीबत है। इधर से हम लोग को लगता है ना 11 बजे तक यहाँ पे काम किया, कल हम जल्दी सो गए थे। क्या करिएगा, रोने से क्या फायदा? रोने से कौन चाहिए जाके, आप कहाँ करेंगे? हम तो देख रहे हैं, हमको लगा पहले पागल। तो बहुत भयभीत हो चुके हैं, अब तो ऐसा हो गया है कि घर एक मिनट के लिए भी छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो किसी को एक को घर में रहना पड़ेगा, तब 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भी अगर पानी लाने भी जाना होगा तो सोचना होगा। इससे पहले हुआ था कभी? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा चांस हुआ कि घर में रहते हुए भी आदमी को छोड़ सीन काट के, वो भी सीन काट के, दीवार तोड़ के, जिस तरह भी आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन शर्मा। অনেকটাই আতঙ্কতে আছি, মানে সবসময় ভয়ে ভয়ে আছি যে কোথাও গেলে এলে চুরি ডাকাতি হচ্ছে, আমরা কি করে ঘরে চুপচাপ মানে মানে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারছি না কোথাও। পুলিশ পাহারা আছে এখানে রাত্রে? পুলিশ তো পাহারা তো দেয় না, কোনদিন আসে না এদিকে রাত্রে। পুলিশ পাহারা দেখি না, ওই যারা এরকম বাসি বাজিয়ে যারা আসে তো দুদিন, আমি অবশ্য ঘুমিয়ে যাই বলতেও পারছি না, অনেকে বলে যে বাসি বাজিয়ে একটা পাহারা একজন দেয়। আপনার এই যখন এইখানে চুরি হয়েছিল আপনার দরজা কি করেছিল? লক দিয়ে দিয়েছিল, এদিকে লক দিয়ে দিয়েছিল, পিছন দিকে দরজাটা লক দিয়ে দিয়েছিল। সকালে উঠে আমি ওই একটা ছেলে রাস্তা থেকে পেরিয়ে যাচ্ছিল, ওকে বললাম যে একটু ভাই বাবার দরজাটা খুলে দাও, তখন ওরা খুলে দিল, তারপর আমি ঘরে বাইরে এসে মারুলি দিলাম। কি নাম আপনার? সমাপ্তি কর্মকার। মানে यहां पे आपका 15 কেজি আসপাস সিলভার আর আপনার ইয়ারিংস वगैरह होगा दो भरी का। दो बजे कितना का सामान होगा टोटल? टोटल आज के डेट में तो अच्छा खासा पुराना ओरना ये था आपका, सिल्वर का ये था, मम्मी का 40-50 साल पुराना था। कैसे चोरी हुआ ये? तो ये असल में हम लोग, मम्मी का तबीयत ख़राब था तो हम लोग इस रूम से दूसरे वाले रूम में सोए हुए थे, और इस वो लोग आके वाल को मतलब छलंग दे, छलंग लगा के और से सीन काट के, वाल काट के किया है वो लोग। करीबन कितना बजे का ये घटना है? करीब 12 बजे के बाद का घटना है, 11-12 बजे के बाद ही होगा। 11 बजे के बाद हम लोग ये किए हैं, इसके बाद 12 बजे के बाद का। ऐसे घटना के चलते आतंक कितने हैं? ये बहुत आतंकित है हम लोग इसके लिए, और मम्मी बहुत ही इसके सदमे में है, जो उसका पुराना ये था। पुलिस आया था? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है लेकिन तो अभी कुछ ये नहीं हुआ है। किसी को पकड़ा है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं पकड़ा है। आपको शुभ नाम? मुन्ना माथो।